हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अध्यापकों, अभिभावकों और मेरे सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। आज वह दिन है जो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। श्री कृष्ण जन्म दिवस, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मैं आज आप सबके समक्ष श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर श्री कृष्ण के जीवन पर कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। गोकुल में जिसने किया निवास, गोपियों के संग रचा इतिहास, देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। आज का दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के आठवें पुत्र थे, जिन्हें माता यशोदा ने पाला था। यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भगवान कृष्ण हमेशा अपने कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे। उनके जीवन में ना जाने कितनी बाधाएं आई, जिनका उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से सामना किया। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, द्रौपदी की रक्षा, बचपन का नटखटपन और बहुत सारे साहस भरे कार्य, ये सभी उनके व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। श्री कृष्ण का मानवीय रूप महाभारत काल में स्पष्ट दिखाई देता है। श्री कृष्ण कर्म को ही मानते थे। कंस हो या फिर कौरव पांडव, दोनों ही निकट के रिश्ते हैं। फिर भी श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए रिश्ते की बजाय कर्तव्य को अधिक महत्व दिया है। हम सबको भगवान श्री कृष्ण के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं और संकट आएं, हमें बहादुरी के साथ सभी बाधाओं का सामना करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से यह सीखने को मिलता है कि हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।